आपको ये सोचना आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े नहीं। आप टीचर बन गए ना तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है अब पता चला हम यहाँ से एक आधा बाल इधर रंग दे आधा इधर रंग दे कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है तो क्या को टीचर बन गया आपको पर्सनल लाइफ जाइए ना फिल्मी दुनिया में यहाँ पर नाचे गए ये, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है लाइफ टाइम उसको सिखाना है सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं तो लोग कई बार आपको बुराई भी करते हैं और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो गई थी जो इंडिया से उसका कोई टॉपिक नहीं था एक्चुअली एक टॉपिक चल रही थी एक फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जा रहा था तो अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन चुकी करंट अफेयर में जरूरी होता है तो टॉपिक था कंप्लीटली डेडिकेटेड था पाकिस्तान और फ्रांस से उसको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था तो हम जो भी चीज़ें बता रहे थे पाकिस्तान का बता रहे थे बट क्या हुआ ना कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने ना पाकिस्तान हटा दिया फ्रांस हटा दिया धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की ओर चलाया कुछ गाने भी होते हैं आप देखते होंगे पाकिस्तान से इंडिया की ओर आके बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं तो उनका था और यहाँ बिना मतलब कि इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी बाद में जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी की थी वो पर्सनली कॉल भी किए हैं और कहें कि सर हम वापस आपसे सॉरी बोलते हैं हम कहें अब अब तुम चौपट करके एक तो बिना मतलब का काम के उसको सॉरी बोलता रहने दो भाई ऐसे ही रहने दो यहाँ पर बाद में धीरे-धीरे रियलाइज हुआ वो टॉपिक ही इंडिया का नहीं था तो एक होता है हाँ तो तो ज्वाइन करने, करने के लिए करोड़ रूपए उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था बहुत कुछ नहीं था आपने मना कर दिया हाँ क्यों मना किया जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए जो दो सौ रुपये की फीस है उसको दो हजार करिए फिर जाके दस हजार करिए लड़का तो पढ़ेगा अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो दो सौ के जगह हम उसको पांच सौ भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए फिर तो पढ़ेगा ही वहाँ पे तो ये चीजें थी उनका कहना हम कहते कि नहीं फी अगर दो सौ ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं फी वो बढ़ाएंगे कहेंगे सर हम आपको एक सौ सात करोड़ देंगे दो सौ रुपये की फीस में हम कहें नहीं चाहिए तो चला तो आप एडटेक फॉर्म ही रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं बयालीस लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं दो सौ ढाई सौ रुपये आप डेढ़ एक सौ अस्सी रुपये कुछ ले रहे हैं उनसे तो अब आए थे अलग पांडे जी वो भी फंडिंग ले गए साढ़े सात आठ हज़ार करोड़ की इनकी जो है आज कंपनी हो गई है तो खान सर फंडिंग लेंगे नहीं लेंगे एक्चुअली क्या आएगी जब हम लोग यू वाले सेगमेंट में जा रहे हैं ना तो वहाँ बच्चों को हमको एकदम प्राइम फैसिलिटीज देनी है मतलब वो चीज जो उसके पास नहीं है ऐसा फील देना है ना कि वो आने के बाद वो उसको लग गया कि अब मेरा तो वही हो गया वहां पे तो वहां पे अगर इस टाइप का अगर कुछ लगेगा तो आदमी आगे सोचेगा क्योंकि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लड़कों को ना हमको वो फील देना है ना कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लग जाए कि ये चीज इसके सिवा कहीं नहीं मिल सकती थी मतलब दो दो से तीन लाख में मिल रहा है हमको वो मामूली मतलब जब जैसे दो लाख ढाई लाख फीस को आप आठ दस हजार तक सप्रेस करेंगे उससे ज्यादा तो वो सप्रेस भी नहीं हो पाएगा कोई भी पढ़ा लिखा सोचेगा तो इससे ज्यादा क्या सप्रेस हो पाए तो उस टाइम पे

तीन चार साल पुरानी बात आपने बात बताई आपने हमारा वीडियो देखा उस आपने शुरू ही किया था नहीं उस वक्त हम शुरू भी नहीं किए थे एक करोड़ सत्तर लाख गए और मैंने सुना आपको फेसबुक में चलाना नहीं आता अभी भी नहीं आता है और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते वीडियो खुद एडिट करते हैं मतलब सत्रह लोग कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी नहीं इच्छा शक्ति होनी चाहिए विल पावर होना चाहिए हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है कोई कंटेंट वगैरह बस तो हमारे पास कोई गाँव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था और मेरे गाँव में कमर इतना पानी भर जाता था तो हम ट्रक से गए पटना से सारा सामान लेके आए और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो दो बांस काट के लाए बांस बांधे उसमें ट्यूबलाइट जोड़े वीडियो बनाना चालू कर दी शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी माइक कमजोर था ये सब चीज धीरे 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 खुद ही सीख गया आदमी पढ़ाने का ये आप में जुर्नून रहा मैं वो ट्रक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ट्रक ड्राइवर वाला आपने रोल निभाया था कुछ? वो ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था उसके पास हिम्मत नहीं करी थी हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे अगर हम लॉकडाउन क्योंकि लंबा चला गया शुरुआत हम तो 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 तो? तो हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं बट गाड़ी चला लेते हैं ट्रक चला लेंगे क्योंकि नहीं। 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 पकड़े कैसे तो हम शर्ट वंजी ले लिया ऐसे गमछा बांध लिया चल दिए वहां से ट्रक ला के वापस लेके चले एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर समय के पास इतना समय नहीं है दोबारा समय देगा ठीक बात है टाइम बहुत मायने रखता है वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है वरना वक्त निर्धारित कर, कर देगा करेगा कि आप क्या क्या करना, करना। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए तीन तीन बम चला दिया गया एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था फटा नहीं वहाँ पे तीन तीन बम मार दिया गया इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियाँ ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स दो महीने का है अगर वो तीन महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब मेरे कैंपस में पंद्रह बीस कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था मेरे ऑफिस पे उड़ गया पूरा धुआं धुआं हो गया था बाकी ये सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास की घटना है उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चलिए यहां पे लड़के लड़कियां सब कि सर आप क्लास लीजिए मेरे यहाँ बम फूटा था इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए बाकी बंद थे जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जो नेक्स्ट बैच के लड़के तो पूरे नीचे खड़े थे होगी हो हो और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है इतना ज्यादा हमारे हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था बच्चों का इतना मनोबल था तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे देखा हाँ, वीडियो हटाना पड़ गया था हमको वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर नहीं है जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो तो हमको होता है बहुत मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में चालीस रुपए थे घर जाने का किराया नब्बे रुपए था घर नहीं गए घर नहीं गए किराया प्रॉपर नहीं था और विदाउट टिकट आदमी सोचता कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा मतलब टीचर विदाउट टिकट घूम रहे तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पर मोड़ देती हैं।, हैं और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पर मोड़ा और मैं बधाई देना चाहता हूँ पर मैं फिर भी हैरान हूं मतलब कि इतना करेज आप में कहाँ से आता है सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ एक चीज़ हम देखे हैं कि जिनको राजा बनने का शौक है ना उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए तभी आपको कुछ करना पड़ेगा तो ऑप्शन भी नहीं था घर जाके क्या कर पाते कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं एकदम मिडिल मिडिल से भी नीचे थे हम लोग तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहां पे फाइनेंशियली कुछ कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था तो कुछ 500 600 ऐसे दे देते थे और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सर तो काफी अच्छा रहा था कि आपने चावल बना लिया उसी को खा लिया पैसे नहीं थे कोई बात नहीं बट नहीं। हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था जो लत लग गई ना अब नहीं छूटे <laughs> हम कह अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे बहुत जबरदस्त ये सब सबने सुना भाई हंसते हंसते कट जाए रस्ते सुना है सबने हंसते हंसते कट जाए रस्ते बच्चे लेके जाते छोटे छोटे बस्ते हंसते हंसते कट जाए रस्ते लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया और इतना हाथा आता कि आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा निराला है ये तो हमने सुना है भैया कि स्टाइल और स्वैग बिल्कुल देसी क्लैरिटी कर दे सबको करीजें ये जो है एक मैंने सुना आप लैला मजनू की स्टोरी खूब सुनाते हैं है। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत पिटोगे मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है इसको प्यार समझा वो तो मैं समझ रहा था आपकी बात कि पढ़ाते वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी एक फिल्म जो बनती है ना वो तीन घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है बट उसके पीछे के तीन साल का मेहनत नहीं दिखता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि, कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे एक घंटे उस एक घंटे के पीछे तीन घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना इसको हमको वर्ल्ड लेवल पर कंपटीट कराना है ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप यहां पर ऐसा नहीं है आपको क्या एग्जाम्पल देना है लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है हर लड़का एक जैसा नहीं होता है कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं कुछ बहुत लो होते हैं तो उसको मिला के चलना पड़ता है यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे जब वो सीख जाए ना तब पता, तो पता चले और ये यही सीखना था तो काफी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है हम लड़कों को पहले तो मेरा ना कितना बताया कि तीन घंटे का तीन साल लग जाता है तीन घंटे का मूवी बनने में तीन साल लगता है उसमें इतना विजुलाइजेशन इतना तैयारी तो होता है तो खान सर को जब एक घंटे का क्लास लेना होता है तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशन होता है और कैसे प्रिपेयर करते क्योंकि आपके कंटेंट में थकथर थक थकथर थर थर सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इतनी स्पीड से आप बोलते जाते हैं और इतना कंटेंट इतना जाता है आपका वर्ड पढ़ मैं सोचता हूँ मैं तेज बोलता था आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है आप और हम लोग भागते तो कॉन्टेंट निकलता है <laughs> तो वो तैयारी क्या करते तो तो मतलब 40 लड़कों के में 37 रैंकिंग आती थी बहुत हालत खराब था कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग बस का पढ़ाई नहीं है तो एक चीज हमको समझ में नहीं आया था साइंस या कुछ चीजें ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे एक दोस्त हमको बताया पूरा बेहतरीन समझ में आ गया तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है तब हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज है तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी दो तीन लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहे हैं आप तो कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई उस इंसान को भी पढ़ा दिया जाए जो बीस साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके अंदर ललक जग जाए कि हमने क्यों छोड़ा था मेरा प्रश्न यह भी है साथ में

सर सर जैसे जैसे हम हमेशा कहते हैं Sir, जैसे और टीचर्स आ गए भाई, भाई इंडिया की जाएगी uh, सही सही बहुत ही जैसा आपको बोला था पता लग रहा है कि आप क्यों बोल रहे थे भाई की कवर करो वीडियो and, uh, ए तो, ए छोटा कवर करा तो इतने में ही आनंद आ गया एंड अगर आपको yes. वीडियो देखने मजा आया क्या करना है तो And, and you can follow, can follow us on us. Instagram. Link yes. is in the description. And just remember one thing you have to grind the shine. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye.